हाफिज सईद पाकिस्तान की वो दुखती नस है जिसे दबाने का मौका भारत कभी नहीं छोड़ता। एक बार फिर भारत ने मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद को भारत को सौंपने की बात क्या कह दी, पाकिस्तान के तो आंसू ही निकल गए। वो डर कर बैठ गया और हाफिज पर बोलने से उलट कश्मीर पर राग गलापना शुरू कर दिया। भारत ने पाकिस्तान से कहा कि वो आतंकवादी हाफिज सईद को भारत को सौंपे। विभिन्न आतंकी वारदातों में शामिल हाफिज सईद मुंबई हमले का भी मास्टरमाइंड है और भारत की इसी मांग का जिक्र पाकिस्तान की कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी हुआ कि कैसे भारत सरकार ने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से आतंकी को सौंपने की मांग की है। अब पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने हाफिज सईद पर कोई जवाब तो नहीं दिया, बल्कि इसके उलट कश्मीर राग गलापना शुरू कर दिया। कश्मीर पर जहर उगलना पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है, पर हाफिज पर चुप्पी जरूर है। पाकिस्तान की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच रिश्ते तब तक सामान्य नहीं हो सकते जब तक भारत कश्मीर को लेकर बात नहीं करता। पाकिस्तान ने आरोप लगाते हुए कहा कि भारत की सेना कश्मीर में रहने वाले लोगों पर अत्याचार कर रही है। रिपोर्ट्स की माने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से इतर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने हाफिज सईद के मुद्दे पर किसी तरह की टिप्पणी ना करने की बात की। उन्होंने कहा कि इस तरीके के सवाल रिपोर्टिंग पर आधारित हैं, हम ऐसे किसी भी तरह की रिपोर्ट पर कमेंट नहीं करेंगे। मुमताज जहरा बलोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत के सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 370 के खात्मे पर दिए फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत ने सरासर गलत किया। इसको लेकर हमने यूनाइटेड नेशंस में आवाज उठाई, हमने लिखा कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 370 को हटाए जाने फैसले को सही ठहराया। इस पर सारे मुस्लिम देशों को विचार करने की जरूरत है कि भारत किस तरह अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर रहा है। दरअसल मोदी सरकार ने पाकिस्तान से कह दिया कि वो लश्कर ए तैयबा के संस्थापक और भारत में कई आतंकी हमले कराने वाले हाफिज सईद को नई दिल्ली को सौंप दे। यानी कि भारत ने पाकिस्तान से हाफिज सईद के प्रत्यार्पण की मांग की है। ये दावा किसी और का नहीं बल्कि पाकिस्तान की मीडिया का ही है, जिसमें बताया गया कि भारत ने कहा है कि हाफिज सईद पुलवामा में हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है। इस संबंध में मोदी सरकार ने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के सामने एक औपचारिक आवेदन भी दिया है। भारत के इस बयान के बाद पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया और अब चुप्पी साध कर बैठ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।